लगता है कि इलेक्शन कमीशन का जो रिजल्ट आया है, जो उन्होंने मतलब अपनी भूमिका रखी है, एक तो नियम ऐसा बना है कि 2/3 मेजोरिटी से कोई पार्टी में स्प्लिट होता है तो 2/3 मेजोरिटी वाले को पार्टी की मान्यता मिलती है। जिस तरह शिवसेना में फूट हो गई, एकनाथ शिंदे जी 45 MLA में से 55 MLA में से 40 MLA लेकर उन्होंने अपना गुट बनाया, और जो शिवसेना का सिंबल है वो एकनाथ शिंदे को मिला, नाम भी उनको मिला। इसीलिए मतलब इलेक्शन कमीशन के निर्णय हम स्वागत करते हैं, और पवार साहब ने अभी नई पार्टी बनानी चाहिए, अगर नहीं बनानी है तो उन्होंने वापिस एनडीए में आना चाहिए। सर, लेकिन शरद पवार गुट बार बार ये क्लेम करता रहा कि उनकी पार्टी असली है और उनके साथ धोखा किया गया है, बार बार यही क्लेम होता रहा। मुझे लगता है धोखा का विषय नहीं है, एमएलए संभाल नहीं पाए, पवार साहब के साथ एमएलए थे लेकिन वो उनके साथ नहीं रहे, और अजीत पवार का कहना ये है कि भाई बीजेपी के साथ जाने का तय हुआ था, लेकिन अगर शिवसेना चलती है तो बीजेपी की क्यों नहीं चलती है। इसी तरह का जो ओपिनियन है अजीत दादा और सभी एमएलए का था, और इसीलिए 40-42 MLA अजीत दादा के साथ आए हैं, और बहुत सारे लोग अजीत दादा के साथ भी है। इसीलिए शरद पवार गुट का जो एलिगेशन उसमें बिल्कुल तथ्य नहीं है। नियम के मुताबिक मेरिट पर जो निर्णय इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है, अभी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने के दरवाजे उनके लिए खुले, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन के निर्णय को अवॉइड नहीं कर सकता है। इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल जो उठते हैं उनके प्रणाली पर की सरकार के इशारे पर नहीं, मुझे लगता है कि सरकार के इशारे पर इलेक्शन कमीशन नहीं चलता है। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, और यहाँ पूरी मेजोरिटी के साथ उन्होंने जो अपना क्लेम अजीत दादा पवार ने किया था, एकनाथ शिंदे जी ने किया था, इसीलिए नियम के मुताबिक उन्होंने निर्णय दिया है, मेरिट पर निर्णय दिया है कि इसके बाजू लेने का विषय नहीं है, और ये निर्णय में सरकार का कोई संबंध नहीं है।